सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में जो है हम बनाने वाले हैं इवन ऑड प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है जो हम बनाने वाले हैं ये हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैं आपको इसमें कंप्लीट अच्छे से आपको समझाऊंगा, हर एक लाइन का मीनिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग जो भी हम इस प्रोग्राम में बनाएंगे। आप इस वीडियो को जब पूरा एंड तक देखोगे तो आप जो है खुद से कहोगे कि यार आज मैंने मेरे 5 मिनट जब यहाँ दिया तो मैं डेफिनेटली आज यहाँ से कुछ सीख कर गया हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि जो भी कुछ मैं आपको सिखाऊं, जो भी कुछ आप अभी यहाँ पे सीखो वो आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और यहाँ पर आप जो है हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल ही समझोगे। तो देखो गाइस अगर आप ये एक प्रोग्राम बनाना सीख जाओगे तो आप जो है ऐसे 10 प्रोग्राम बना सकते हो, वो भी बहुत ईजिली अपने खुद के ऑन लॉजिक से, अपने खुद के ऑन स्किल्स से। तो देखो सबसे पहले जब हम इस तरीके का प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि भाई जो नंबर एंटर किया गया है वो इवन है या ऑड है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सा नंबर इवन होता है और कौन सा नंबर ऑड होता है। तो यार सिंपल सी बात है, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है यानी कि जिसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आता है उसे इवन नंबर कहते हैं, और ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता उसे ऑड कहते हैं। तो अब हमें एक थिंग क्लियर हो गई कि भैया इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल है और जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसे इवन नंबर कहते हैं, और ऑड नंबर किसे कहते हैं यानी कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है और जिसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो अब हम जो है इसको जो है कोड के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो है उनके सिंटैक्स। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स जो हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं वो है #include_studio.h। #include_studio.h का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर जो भी हमारे प्रिंट टैप, स्कैन, जो फंक्शन जो हम यूज़ करने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर वो ऑलरेडी इस हेडर फाइल के अंदर पहले से डिफाइंड किए हुए हैं। हम सिर्फ इन फंक्शंस को जो है कॉल करते हैं, प्रिंट टैप, स्कैन, हम सिर्फ इन फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं। ऑलरेडी इनकी जो मीनिंग है, ऑलरेडी इनकी जो डेफिनेशन है वो पहले से जो है इस हेडर फाइल में लिखी जा चुकी है। नेक्स्ट जो हम हेडर फाइल यूज़ करने वाले हैं वो है #include_conio.h। conio.h का मतलब क्या होता है, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी कि जो हमारे मैथ ऑपरेशंस होते हैं, क्लियर स्क्रीन का जो मेथड होता है, उसके बाद गेट कैरेक्टर, तो ऐसे जो फंक्शंस हैं वो जो है सब कुछ इस conio.h हेडर फाइल में जो है ऑलरेडी डिफाइंड किए हुए हैं। हम जस्ट उन्हें सिर्फ कॉल करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब देखो और एक इम्पॉर्टेंट थिंग आती है, जब भी हम कोई भी कोड बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है मेन से। इसके लिए हम इसमें एक फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन कैसे लिखा जाता है, उसका सिंटैक्स है फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप होगा और फिर फंक्शन का कुछ नेम होगा। तो हमने यहाँ पे जो रिटर्न टाइप लिया है वो है void। void अगर जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना होता। वहीं अगर मैं void की जगह int लेता तो मुझे लास्ट में जो है रिटर्न 0 लिखना होगा, यानी कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ वैल्यू रिटर्न करनी होगी। अगर हम int यूज़ करते हैं तो हमें रिटर्न 0 लिखना होता है क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है, और अगर हम void लिखते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती। उसके बाद हमने फंक्शन का नाम दिया जो कि नाम दिया है मेन, और इसके अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। तो ये था बेसिक जो है फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। पहले रिटर्न टाइप आता है, फिर फंक्शन का नेम आता है, फिर ओपन और क्लोज ब्रैकेट आते हैं। अब इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी थिंग है, हम जो है यूज़र से कुछ इनपुट लेने वाले हैं। तो ये जो इनपुट होगा इसको हम स्टोर करेंगे हमारे लोकल वेरिएबल के अंदर। तो ये जो लोकल वेरिएबल होगा इसका हम नाम रख लेते हैं num1, क्योंकि इसके अंदर जो भी कुछ यूज़र डेटा डालने वाला है वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो अब ये जो नंबर जो है यूज़र डालने वाला है वो किस टाइप का होगा, इसका जो डेटा टाइप है वो होगा इंटीजर टाइप। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। तो इनका बेसिक अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो अगर होल नंबर है लाइक 5, 6, 9, ये जो नंबर है इसमें डेसिमल नहीं है इसलिए इनका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर।
इंट जिसे कहते हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर करता हूँ योगेश, तो वाई ओ जी ये सब क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है। तो इसका मतलब ये जो नेम है योगेश ये किस टाइप में आएगा, ये जो है कैरेक्टर में आएगा, यानी कि इसका जो डेटा टाइप होगा वो कैरेक्टर बनेगा। आप इसे स्ट्रिंग भी कह सकते हो। अगर मैं ऐसे वैल्यू डालता हूँ 10.5, 9.6, तो इसके अंदर जो है डेसिमल पॉइंट आ जाता है। तो ये जो टाइप है इसका जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट, जिसके अंदर जो है 9.5, 10.5 इस तरीके की वैल्यूज आती हैं। तो अब यहाँ पर जब हम यूज़र से जो वैल्यू लेने वाले हैं वो जो है कंप्लीट नंबर लेने वाले हैं, लाइक 6, 9, 8, 5 इस तरीके से। तो अब हम ये सीखेंगे कि कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो देखो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, पहले आता है वेरिएबल का डेटा टाइप और उसके बाद आता है वेरिएबल का नेम और फिर सेमी कॉलन। तो यहाँ पे int सेमी कॉलन। इंट क्या है, ये जो है डेटा टाइप है। num1 क्या है, ये वेरिएबल का नेम है। और सेमी कॉलन, सेमी कॉलन क्यों दिया जाता है, ये बताने के लिए कि भाई जो हमारा कंपाइलर है कि भाई यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट एंड हो चुका है, अब जो है आपको न्यू लाइन पे जाना है, उसको एग्जीक्यूट करो। तो सेमी कॉलन इसलिए दिया जाता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई एक जो है हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जो इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने वाला है। उसके बाद हम लाइन लिखते हैं क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन ये फंक्शन है जो conio.h में जो है ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। हम जस्ट इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करते हैं। ये फंक्शन का काम ये होता है कि जो हमारी आउटपुट विंडो होती है उसे क्लीन कर देता है। अगर पहले से कोई आपने कोड एग्जीक्यूट किया होगा, अगर वहाँ पे उसका आउटपुट होगा तो उसको जो है ये क्लीन कर देगा। इसके लिए हम क्लियर स्क्रीन ये जो फंक्शन है इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमें यूज़र से अब कुछ वैल्यू लेना है और ये वैल्यू अब यूज़र को पता होनी चाहिए कि भाई तुम्हें वैल्यू डालनी है। तो उसके लिए हमें स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो करवाना होगा। तो जब भी हमें कुछ यूज़र को मैसेज शो करवाना होता है तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है printf। printf के अंदर जो भी कुछ आप डालोगे वो एज इट इज़ जो है आउटपुट विंडो पर शो हो जाता है। printf डबल कोट में एंटर नंबर टू चेक वेदर इट इज़ अ इवन और ऑड। इसका मतलब एक नंबर एंटर करो ताकि आप चेक कर सको कि वो इवन है या ऑड है। तो जो printf जो फंक्शन है ये भी ऑलरेडी डिफाइंड है studio.h में। तो printf के अंदर जो भी कुछ आप लिखोगे वो एज इट इज़ आउटपुट विंडो पे शो हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब भाई यूज़र को दिख गया कि भाई उसे कोई नंबर डालना है, अगर उसे चेक करना है इवन है या ऑड है। तो अब हम यूज़र की डाली हुई वैल्यू, यूज़र का डाला हुआ नंबर जो है हमारा जो लोकल वेरिएबल num1 है उसमें स्टोर करवाएंगे। तो यूज़र से अगर हमें कुछ वैल्यू लेनी होती है तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है scanf। ये क्या करता है, कीबोर्ड से जो भी कुछ आपने वैल्यू डाली है उसको स्टोर कर लेगा हमारे वेरिएबल में। तो हम यूज़ करते हैं scanf फंक्शन। इसके अंदर हमने डबल कोट्स में लिखा है %d। तो हमने %d क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो इंट है। इंट है इसके लिए हमने यहाँ पे %d लिखा है। अगर हमारा डेटा टाइप फ्लोट होता तो हम यहाँ पे %f लिखते। अगर हमारा डेटा टाइप कैर होता तो हम यहाँ पे %c लिखते। तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप इंट है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा %d। फिर हमने लिखा कॉमा एंड num1। एंड num1 क्यों लिखा, एंड का यहाँ पे मतलब होता है वैल्यू एट द एड्रेस num1। एंड का मतलब है वैल्यू एट द एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि जो भी डेटा आपको मिलने वाला है वो इंटीजर फॉर्म में है और उसको स्टोर करवाओ कहाँ पे, जहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल है उसका जो भी पर्टिकुलर एड्रेस है वहाँ पर जाकर उस वैल्यू को स्टोर करवा लो। क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे तो मेमोरी में उसको कुछ पर्टिकुलर स्पेस अलोकेट होगी, उसको पर्टिकुलर कुछ एड्रेस अलोकेट होगा। तो इसके लिए हमने एंड ये ऑपरेटर यूज़ किया है एट द एड्रेस, जिसका मीनिंग ये होता है। अब उसके बाद में हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम क्या करेंगे कि भाई अब हम जो है यहाँ पर अब हमारा लॉजिक को जो है लिखने वाले हैं। हमारा लॉजिक एकदम सिंपल सा है, वो ये है कि अगर num1 के अंदर जो भी कुछ वैल्यू यूज़र ने एंटर की है वो जो है डिवाइड होती है 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन है। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होती है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो जो है ऑड है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इफ़ एल्स का जो है कंडीशंस लगाएंगे। इफ़ एल्स कंडीशन में क्या होता है, इफ़ होता है ब्रैकेट के अंदर हम कुछ कंडीशंस डालते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो जो एल्स ब्लॉक में जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एन मॉडल। तो अब हमने इफ़ कंडीशन में क्या लिखा, num1 मॉड्यूलर। यहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेटर हमने यूज़ किया है
टू इज इक्वल टू जीरो। इस मॉड्यूलर ऑपरेटर का मतलब क्या है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है अगर वो जीरो के इक्वल है तो हम क्या मैसेज शो करेंगे, प्रिंट एफ कि इवन नंबर है, एल्स हम प्रिंट एफ करेंगे ये ऑड नंबर है। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है तो ये एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट एफ इवन नंबर, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो ये एग्जीक्यूट करेगा एल्स ब्लॉक जिसमें हमने स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ ऑड नंबर। उसके बाद जो है इफ एल्स कंडीशन से बाहर निकलेगा और उसके बाद हम लिखते हैं गेट सी एच यानी कि गेट कैरेक्टर। ये फंक्शन भी जो है कोन्यो डॉट एच में जो है डिफाइन किया हुआ है, हम जस्ट उसे कॉल करते हैं। गेट कैरेक्टर का काम क्या है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ आपने कोड लिखा है, जो भी प्रिंट एफ स्कैन एफ कंडीशंस डाली हुई है, उन सबको एग्जीक्यूट करके वो सारे कैरेक्टर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लेकर आएगा। तो इसका नाम से ही आपको समझ में आता है गेट सी एच। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज कर दिया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F9 दबाते हैं तो इसे कंपाइल हो जाता है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और ये अब एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें पूछता है एंटर नंबर टू चेक वेदर इट इज़ इवन और ऑड, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 7। तो अभी 7 ये ऑड नंबर है तो देखते ही हमें क्या आंसर देता है, तो ऑफकोर्स इसने बताया कि 7 जो है ऑड नंबर है। अब हम इसे फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हम डालेंगे इवन नंबर, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं 4। तो 4 ये इवन नंबर है क्योंकि अब देखो 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, तो ऑफ कोर्स ये इवन नंबर है। तो यहाँ पे देखो आपको आउटपुट मिलता है इवन नंबर। तो गाइस इस तरीके से जो है आप जो है एक इवन ऑड का जो है प्रोग्राम बना सकते हो। तो गाइस ये था आज का कंप्लीट प्रोग्राम, होपफुली वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये कोड पसंद आया, आपको मेरा सिखाना पसंद आया तो आप हमारी जो है लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही कम फीस है, इतना सस्ता कि आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा, वो है मात्र 199 रुपीज़, जिसके अंदर मैं आपको लाइव सी प्रोग्रामिंग जो है सिखाने वाला हूँ। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारा गूगल फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप फिल कर सकते हो, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको गूगल फॉर्म में मिल जाएगी, गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो गाइस होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।